भदरवा विधानसभा क्षेत्र में सबसे पुराना स्वास्थ्य स्थानों में से एक अस्पताल है। सूत्रों के मुताबिक न केवल यह उप जिला अस्पताल भदरवा, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पिछले 10 दिनों के दौरान स्त्री रोग विशेष ज्ञानों के बिना चल रहे हैं, इसके बाद से अस्पताल में कोई महिला डॉक्टर नियुक्त नहीं है और कोई गर्भवती महिलाओं को SMGS जम्मू से भेजा गया है। दिन या कुछ निजी अस्पताल स्त्री रोग विशेष ज्ञानों की अनुपस्थिति के रूप में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत से लोग निजी अस्पतालों में इलाज नहीं कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा अस्पताल में ECG जैसी पर्याप्त आपात सुविधाओं का भी अभाव है और कार्डियक बीमारियों से पीड़ित रोगियों में सबसे खराब पीड़ित है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि मुश्किल का लोगों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि यहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, और जो डॉक्टर थोड़े बहुत हैं भी तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि इतने पेशेंट को देख सकें। आपको पता है कि गायनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है, गायनी यहाँ पर है नहीं। हालांकि कई बार ऑर्डर भी हुए लेकिन यहाँ पर आने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये जो मुसलसल हमारे यहाँ से 10-15 साल से सिलसिला चल रहा है, इसमें लोगों का योगदान भी चाहिए। मैंने एक बात कही थी कि जो लोकल डॉक्टर यहाँ से बाहर सब प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ आने के लिए तैयार नहीं, उन्हें सोशल बायकॉट किया जाए। सोशल बायकॉट जब वो किए जाएंगे, उनके साथ जब ये है मतलब ना उनकी शादी ना गमी में कोई जाएगा तो मजबूर यहाँ आएंगे। मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि भदरवा के तरफ ध्यान दें और यहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें अल्ट्रासाउंड कराना होता है अपनी माँ बेटी या किसी भाई को, या तो जम्मू लेना पड़ता है या किश्तवाड़। मैं समझता हूँ इससे बड़े कोई हमारे लिए अफसोस की बात नहीं है, तो सरकार भी खामोश बैठी, उन्हें चाहे कि फौरन इन पर इकदाम उठाए और यहाँ डॉक्टर और अल्ट्रासाउंड को स्पेशल भेजा जाए।